सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं, चलिए इसका सेकेंड नंबर जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स बटा में वन प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू टू प्लस ई टू द पावर एक्स डी टी। हम लोग यहाँ ई टू द पावर एक्स को टी मानेंगे, पुट करेंगे ही ना, पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही हो जाएगा बराबर में डी टी बटा में डी एक्स। यहाँ डी एक्स पहले से दिया हुआ था, मैंने डी टी लिख दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ e टू द पावर x डी एक्स बराबर में डी टी हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ डी टी आ जाएगा और नीचे आपका वन प्लस टी इंटू में e टू द पावर x का वैल्यू t है ना जी, और इंटू में टू प्लस टी। अब चलिए इसके बाद यहाँ मानेंगे लेट वन बटा में वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा बराबर में a बटा वन प्लस टी और प्लस b बटा टू प्लस टी। इधर एलसीएम लेंगे, वन बटा वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी इक्वल टू, एलसीएम इधर लेंगे तो हो जाएगा वन प्लस टी इंटू में टू प्लस टी। इसमें इसे डिवाइड करेंगे, ये जाकर इंटू करेगा ए इंटू टू प्लस टी, इसमें डिवाइड करेंगे यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो बी इंटू वन प्लस टी, यही ना आएगा। आप दोनों का डिनोमिनेटर काट दो, यहाँ से हट गया, वन बराबर में ए इंटू टू प्लस टी और प्लस बी इंटू वन प्लस टी। यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, यदि हम t के जगह पर मान लीजिए माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन रखते हैं ये जीरो हो जाएगा, ये टोटल जीरो, यहाँ माइनस रखोगे प्लस का वन आएगा और a आ जाएगा, a इक्वल टू वन हो जाएगा, a इक्वल टू वन। अगर हम यहाँ पर यदि t बराबर में माइनस टू रख दें तो ये जीरो हो जाएगा आपकी बात, तो यह टोटल जीरो हो गया। अब देखो माइनस टू रखोगे तो वन में से माइनस टू जाएगा माइनस वन, यानी माइनस बी बराबर में वन, यानी कि यहाँ से आपका b बराबर माइनस का वन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना इसका बात। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, चलिए हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी डी टी बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a बटा में वन प्लस टी डी टी और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में टू प्लस टी डी टी। वापस से यहाँ a और b का वैल्यू रखो, a का वैल्यू 1 है तो 1 बटा में 1 प्लस टी डी टी है ना, और यहाँ इसका माइनस 1 है तो माइनस बाहर लगा देते हैं 2 बटा में टी डी टी। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा log 1 प्लस टी और यहाँ हो जाएगा log 2 प्लस टी प्लस सी। चलिए तो माइनस में तो डिवाइड में चला जाता है ना, log 1 प्लस टी बटा में 2 प्लस टी, वापस से यहाँ टी का वैल्यू रख देते हैं, लॉग टी का वैल्यू आपका e टू द पावर x है ना जी, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस e टू द पावर x प्लस, समझ गए ना, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप क्या करोगे, ये आपके टाइप्स खत्म हो गए, आगे 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 अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। और इससे संबंधित आपको मेरे अदर चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है आपका रवि का आंसर। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पे जाएंगे। और इस चैप्टर से संबंधित वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं, और आपको बता दें जितने आप इंटीग्रेशन पढ़ो तो इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा और तभी आपको और इंटरेस्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।